हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। मैं हूँ प्रीति एंड अगेन आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू। सो आज का जो वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कुछ अमेजिंग से मेकअप प्रोडक्ट्स फॉर बिगिनर्स। यू नो, ये जो किट है मैंने प्रॉपर बिगिनर्स के लिए तैयार करी है, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है और बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आप समर्स में यूज़ करें या आप विंटर्स में यूज़ करें, ऑल टाइम चलने वाला है एंड देन अमेजिंग है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है ये प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको मिलेंगे। मैंने जो है ये प्रोडक्ट्स पर्पल से मंगाए हैं, आप चाहे तो आप कहीं से मंगा सकते हैं, लेकिन पर्पल जो है मैं पर्पल इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ इस पेज पे और बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहे होते हैं, सो मैं इसलिए यहाँ से मंगाती हूँ। एंड देन आप चाहे तो नायका से भी मंगा सकते हैं, लेकिन नायका पे थोड़ा सा लिटिल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बट लिटिल भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें ऑफर्स थोड़ा कम चल रहे होते हैं। तो अगर आप पर्पल से मंगाते हैं तो पर्पल से भी बहुत अच्छे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, स्किन केयर या मेकअप का। तो ये मेकअप प्रोडक्ट्स कोई भी यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने बिगिनर्स बोला था सिर्फ बिगिनर्स ही से यूज़ करेंगे, बट बिगिनर्स की बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि जैसे कॉलेज गर्ल्स होती है, स्कूल गर्ल्स होती है, ऑफिशियल गर्ल्स होती है, तो सब मतलब स्कूल और कॉलेज गर्ल्स मोस्टली उनका जो बजट होता है वो थोड़ा सा लो होता है, तो उनको उसी बजट में अपना पूरा महीने का खर्चा और अपना स्किन मेकअप देखना होता है। तो उनको यही टेंशन रहती है कि एक अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छा प्रोडक्ट हम कैसे परचेज करें। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें आप आँख बंद करके ले सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे हैं और बहुत लॉन्ग लास्ट आपके मेकअप रखते हैं, देन बहुत अच्छा रिजल्ट है गाइस। तो लेट गेट स्टार्टेड नाउ कि सबसे पहला मैं बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेस में मैं सबसे पहले जो अप्लाई करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ फेस सीरम। एंड अगर मैं फेस सीरम की बात करूँ मेकअप में, तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको मिलता है ये है गुड वाइब्स का रोज सिप रेडियंस ग्लो फेस सीरम, जो कि बहुत अच्छा है, एज अ प्राइमर का भी काम करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बेस्ट ऑप्शन है ये सीरम। पहले इसे अप्लाई कीजिए, देन आप अपने फेस पे मेकअप या कोई भी बेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की इसकी बोतल आएगी, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके की, ओके। एंड इसका मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, 150 इसका प्राइस है, बट आपको डिस्काउंट होकर 120 तक ही ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं एज अ फेस सीरम। मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये लॉन्ग डे आपके फेस को हाइड्रेट करता है, और मेकअप से पहले आपकी स्किन में कुछ अच्छा ऐसा प्रोडक्ट्स लगाना ज़रूरी है जो आपकी स्किन को अच्छे से नरिश करे, देन मेकअप और यू नो आपकी नेचुरल स्किन को जो बीच में एक प्रोटेक्शन की लेयर क्रिएट कर दे, तो मुझे ये फेस सीरम वो बेस्ट ऑप्शन लगता है कि ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और सेकंड अब हम बात करते हैं बेस यानी फाउंडेशन की। जो फाउंडेशन मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ इट्स अमेजिंग, इसमें आपको किसी भी तरीके प्राइमर वगैरह अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन, जो कि बहुत अच्छा है गाइज। और इसकी अगर मैं इसका जो रेट मैं आपको बताती हूँ, ये जो शेड है ये है N260 न्यूट्रल हनी, ठीक है। एंड इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ, प्राइस ये है 475 का, बट ये मुझे पड़ा है 437 का, क्योंकि ऑफर चल रहा था तो उसमें मेरे को इतना डिस्काउंट मिला है, 437 का ये पड़ा है। एंड बहुत अच्छा है गाइस, इसकी अगर मैं कवरेज की बात करूँ बहुत अच्छा है, और इसमें आपको यू नो ईजिली ब्लेंड हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने अपना जो शेड है वो सही चूज़ करना है कि आपका न्यूट्रल है या आपका कूल है या आपकी क्या अंडरटोन है उस अकॉर्डिंग, और अमेजिंग है। अगर आप बिगिनर्स हैं, बहुत लंबा चलने वाला है, देन इसका इस तरीके से ये है थोड़ा सा, मतलब मुझे ये थोड़ा सा पंप वाला सिस्टम नहीं है, इस तरीके से आपको लगाना है, बट अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ जहाँ पे भी, जैसे अभी समर सीजन है तो जहाँ पे भी आपको यू नो अपनी कवरेज अपने फेस की जो भी डार्क स्पॉट उन्हें हाइड करना है वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको लगाने की फेस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इजिली ब्लेंडेबल है, एंड कवरेज भी इसकी अच्छी खासी है, मतलब बहुत ज़्यादा कवरेज भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। अभी मैंने यही फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है तो बेस्ट कवरेज है। अगर आप इसके बाद कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ करते हैं, अपने बेस को अच्छे से सेट करते हैं, तो इसकी कवरेज अच्छी है। ओवरऑल इसकी बात करो तो बेस्ट है, आप इसे एक बार परचेज करके ज़रूर देखिएगा, अमेजिंग रिजल्ट है इसके, अमेजिंग, ठीक है। तो लैक्मे 925 इट्स अमेजिंग, बट आपने शेड अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्पैक्ट एज वेल, मतलब मेरा ऑलवेज फेवरेट है, यह है फिटमी का फिटमी मैट प्लस पोरलेस पाउडर, देख लीजिए बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है गाइज। और ये है, ये शेड जो है ये है 128 वार्म न्यूड, एंड इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ 249 है, बट मैं आपको बिल चेक करके बताती हूँ मुझे कितने का ये पड़ा है, क्योंकि इतना याद नहीं रहता ना कि कौन सी चीज़ कितने की पड़ी है। Where is Maybelline New York Fit Me Oil Control Compact, Oil Control है ये, मुझे पड़ा है 224 रुपये का, 249 का है, मतलब 250 लगा लो आप, और ये पड़ा है 224 का, तो वही है, पर्पल में डिस्काउंट काफ़ी मिल जाता है।
सो ये जो कॉम्पैक्ट है फिटमी का, ये मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये जो आपकी स्किन में, अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, ये समर सीजन के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, आपकी स्किन में जो भी यू नो एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है उसे इजिली कंट्रोल करता है और बहुत अच्छा, जो अगर आपके बहुत ज्यादा ओपन पोर की प्रॉब्लम है तो उन्हें ये हाइड करता है अच्छे से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन ऑल स्किन टाइप, यू नो सभी स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी ड्राई स्किन तो हल्का टचअप दीजिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जो भी यू नो आपका जहाँ पे भी ऑयल ज्यादा निकलता है वहाँ पे टचअप दीजिए, अगर आपकी कॉम्बिनेशन है तो अपने टीजन एरिया पे आप इसका टचअप दे सकते हैं। बहुत अच्छा है और डिफरेंट डिफरेंट शेड में आपको इसका आपको पाउडर मिल जाएगा और प्राइस मैंने आपको बता दिया है, तो इसे भी आप बेझिझक होकर परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा हो गया बेस कम्प्लीट, देन अब बारी आती है काजल की एंड आईब्रो फिल करने की। काजल, अगर मैं काजल की बात करूं तो एक अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको कोई काजल चाहिए तो ये है ब्लू हेवन की काजल, जो कि मैंने आपको दिखा रही हूँ अप्लाई करके, बहुत अच्छी है और इसका लॉन्ग लास्ट भी करती है और मैंने स्पेशली यूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको इसीलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इसका अगर मैं प्राइस बताऊँ आपको 90 rupees की पड़ेगी, बट अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो इनके आपको 2 sets पड़ेंगे 118 इतने के अराउंड, और आपको डिस्काउंट भी इसमें अच्छा खासा पड़ जाता है। ठीक है, इसमें MRP 90 पड़ा है लेकिन मुझे इसमें 2 मिले हैं, तो 118 rupees के 2 मिले हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि मुझे 68 का एक काजल मिला है, तो 68 का आपको कहाँ काजल मिलेगा। तो बहुत अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छी काजल है, इसमें अभी भी यही लगा रखी है और इसे आप एज अ लाइनर और एज अ यू नो आप स्मच करके कैसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन। देन वही ब्लू हेवन की इंस्टेंट आई लाइनर इजी स्केच है ये एक्स्ट्रा ब्लैक। ठीक है, तो ये है स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, लाइट वेट एंड 1 stroke फिनिश, एक ही स्ट्रोक में आपकी जो लाइनर है बहुत अच्छे से लग जाएगी। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पर्सनली ये बहुत यूज़ किया है, मतलब बहुत ज़्यादा, जब मुझे यू नो लगता है कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या बहुत जल्दी, ये जो लाइनर इसकी मुझे बेस्ट क्वालिटी ये लगती है कि जल्दी से ड्राई हो जाता है। देन अगर आपको विंग क्रिएट करना है या कुछ भी तो आप इजीली लगा सकते हैं, एंड देन आप बिगिनर्स हैं, आप मेकअप में मतलब पहली बार कर रहे हैं या कुछ भी, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है लाइनर लगाने का तो ये आप इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि स्केच की तरह लगाना है, देन आपको ऐसा नहीं है कि कहीं ऊपर नीचे लगेगा या कुछ भी। ठीक है, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। इसका मैं प्राइस आपको बता दूं, 160 का ये है और ये भी मुझे डिस्काउंट होके ही मिला है, मतलब 20-25 rupees तो आपको डिस्काउंट मिल ही जाता है पर्पल पे, ये तो एक सिंपल सी बात है। अगर आप ऑफर नहीं भी चल रहे तब भी मिलता है, बट अगर ऑफर चल रहे हो तब आपको काफी सारा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो लगती है वो है आईब्रो डिफाइनर, यू नो आपके आईब्रो को फिल करने के लिए, आपके फेस में जो लुक आता है ना, मुझे लगता है आईब्रो का सबसे ज़्यादा आता है। अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हैं, आपने सिंपली स्किन केयर किया है और आपने अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल किया हुआ है, अच्छे से यू नो सेट किया हुआ है, तो आपका लुक ना बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम रिफ्रेशिंग, एकदम अपलिफ्ट आपका फेस लगता है। तो मुझे एक अफोर्डेबल रेंज में आपको एक आईब्रो डिफाइनर देना था, तो वो है ब्लू हेवन का ब्राउ परफेक्ट आईब्रो इनहेंचर, ये देख लीजिए ये वाला, और बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली यूज़ किया है, आप देख सकते हैं मैंने यही अभी अप्लाई किया हुआ है। मैं आपको इसका दूसरा दिखाती हूँ, ये देखो, ये तो मैंने न्यू मंगाया है और ये मैं यूज़ करती हूँ, ये देख लीजिए ये वाला, तो बहुत अच्छा है। इसमें भी आपको शेड मिल जाते हैं ग्रे कलर और ब्राउन कलर, तो आपको रिकमेंड करूँगी अगर आपके आईब्रो बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं तो आपको वहाँ पे यू नो ब्राउन शेड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का लाइट ग्रे कर सकते हैं। अगर आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा ब्राउन है तो वहाँ पे आपने ब्राउन शेड यूज़ करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप ब्राउन आईब्रोज पे अगर आप ब्लैक कलर लगाएं तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगता है, यू नो अननेचुरल लगता है। तो आप इस तरीके से अपनी आईब्रो को, 2 shades मिलते हैं ब्राउन एंड ग्रे, तो उस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके रेट की बात करूँ, 175 का आपको ये पड़ता है, 175 इस पर प्राइस है, बट ये आपको 140-142 के अराउंड पड़ जाता है अगर आप पर्पल पे इसे चेक करते हैं, तो आप अनदर जगह भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पर्पल का रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैंने वहीं से मंगाया और मुझे अच्छा भी लगा है। तो ये हुआ आईब्रो, तो हमारा फेस का जो है प्रॉपर डन हो चुका है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है वो है लिपस्टिक, और मार्केट में बहुत सारी लिपस्टिक अवेलेबल है, बहुत सारी है ना, लिपस्टिक तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लें, कौन सी ना लें, कौन सी अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं, बट उनके जो रिजल्ट ना बहुत ज़्यादा बकवास होते हैं, आप कहीं पे भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो इजीली यू नो निकल जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर मैट हो जाती है। अगर मैं सिंपली एक सुगर का जो मिनी लिपस्टिक है ना उसका एग्जांपल दूं, अगर यू नो बहुत सारे लोग सुगर को मतलब यूज़ करते हैं लिपस्टिक, बट मैंने स्पेशली मंगाया था, तो वो जो लिपस्टिक है बहुत एक्सपेंसिव है, 250 के अराउंड, 230 के अराउंड ऐसा मुझे पड़ा था, बट उसका जो टेक्सचर है ना बहुत ज़्यादा मैट है, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी लिप्स इतने ज़्यादा, अगर आपके लिप्स ड्राई होंगे तो आपके लिप्स बिल्कुल फट जाएंगे, इतनी ज़्यादा मैट है, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, स्पेशली मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं
मेरा जो मोस्ट करंट फेवरेट है वो है स्टेक की, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसकी शेड की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, देख लीजिए, किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र नहीं होगा। देन बहुत अच्छे अच्छे शेड अवेलेबल हैं गाइस। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मजेंटा पिंक टाइप में शेड मंगाया है, और इसका मैं रेट आपको बताऊँ, 250 इसका रेट है, लेकिन ये मुझे पड़ा है 180 की ये वाली लिपस्टिक। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ऑफर उसमें मिला था। एंड इसका मैं शेड आपको बताती हूँ, ये है बॉम्बसेल 2, इसका जो शेड है बॉम्बसेल 2, और इसकी मैं पैकेजिंग आपको बताती हूँ, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, और मिनी है लेकिन बहुत अच्छी है गाइज। ये देख लीजिए क्विकी, और मतलब बॉम्बसेल 2 इसका शेड है, और इसमें आपको न्यूड शेड, डार्क शेड, पिगमेंटेड डार्क शेड आपको न्यूड शेड मिल जाएंगे। और इसकी जो क्वालिटी है ना, बहुत अच्छी है, ये लिप्स पे ना बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है, बहुत इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है, बट बहुत ज़्यादा मैट नहीं होती। बहुत सारी लिपस्टिक ऐसी होती है एकदम फट सी जाती है स्किन में, और बहुत ज़्यादा आपके ड्राई लिप्स हैं तो थोड़ा सा लिप बाम लगा लीजिए, उसके बाद ये लिपस्टिक यूज़ कर लीजिए, आपके मतलब ठीक है आपके लिप्स, तो आप नॉर्मली से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता। कॉलेज गर्ल्स हैं आप, ऑफिशियल गर्ल्स हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये लॉन्ग स्टे करती है। अगर आप कुछ खा रहे पी रहे तो ऐसा नहीं है कि किसी स्पून पे ट्रांसफ़र हो जाए, ग्लास पे ट्रांसफ़र हो, क्योंकि वो बहुत अजीब लगता है। तो मतलब इसलिए ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। बिगिनर्स हैं, बेझिझक होकर स्टेक होकर की लिपस्टिक आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। 250 पे MRP है, 180-190 के अराउंड आपको ये पड़ जाती है, ठीक है। ये था प्रॉपर मेकअप किट, आपका आईज बेस, आपका जो भी बिगिनर्स अप्लाई करते हैं, जो भी टीनेजर्स अप्लाई करते हैं, ऑफिशियल गर्ल्स अप्लाई करती हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, और मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, और चैनल को आपने डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।